प्रेस एवं पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व मंत्री महेश गगड़ा ने लगाए प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप। सभी तर्क न्यूज सच की आवाज बीजापुर जिले से सरोज विश्वकर्मा की खास पेशकश। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर माँ कोसमा की धरती तरलागुड़ा से दर्शन करके जो जन अधिकार यात्रा भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाली गई, जो कांग्रेस सरकार की जो वादा करके सरकार में बैठी है उनके वादा खिलाफी को लेकर भारतीय जनता पार्टी यात्रा निकाली। साथ ही साथ इस जिले में विधानसभा क्षेत्र में विधायक के द्वारा जो भ्रष्टाचार कमीशन पूरी की जा रही है और जनता का आवाज़ को लेकर भारतीय जनता पार्टी से आवाज़ बनने की निकली और बहुत से जगह पर पता चला कि वृद्धावस्था पेंशन, मजदूरी भुगतान और स्वास्थ्य सुविधा जैसे मूलभूत जो चीज़ है उससे वंचित है। विधायक सिर्फ कमीशन करने लगे हैं, जो एक धार्मिक आस्था केंद्र है जहाँ पर निर्माण चल रहा है वहाँ पर भी भ्रष्टाचार दिख रहा है। तमाम चीज़ को लेकर हम जनता के बीच में निकले हैं। सर, तमाम खबरिया चैनलों के माध्यम से जिले भर में भ्रष्टाचार के मुद्दे उजागर हो रहे हैं, मगर आज तक कांग्रेस सरकार के आने के बाद 3 साल तक किसी भी मुद्दे में कार्रवाई नहीं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कल युवा आयोग के सदस्य उन्होंने प्रेस वार्ता किया है। जिस तरह से प्रशासन यहाँ पे एक विधायक का प्रतिनिधि बन के काम कर रहे हैं, यहाँ प्रशासन निष्पक्ष नहीं होगा। तो आप विपक्ष के नाते आप हम आरोप लगा सकते हैं, आप हम मीडिया के सामने आ सकते हैं, मीडिया के माध्यम से बता सकते हैं, हम जैसे यात्रा निकाल रहे हैं उस यात्रा के माध्यम से हम जनता को बता सकते हैं। विपक्ष अपना काम बखूबी कर रहा है, प्रशासन चाहिए कि एक निष्पक्ष रूप से रहे, जो आरोप लग रहा है उसको जाँच करके प्रशासन बताना चाहिए, ना कि विधायक एजेंट बनकर काम करना चाहिए। लोहा डोंगरी में जो निर्माण कार्य चल रहा है वो गुणवत्ताहीन है, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, जहाँ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री आते हैं, माननीय मुख्यमंत्री से उद्घाटन कराते हैं, उनको वॉलीबॉल खिलाते हैं, वहाँ पे भी अगर भ्रष्टाचार चल रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बीजापुर जिले में जो भ्रष्टाचार चल रहा है संज्ञान लीजिए। आप जो उद्घाटन करते हैं उस बाउंड्री वाल में, आप जहाँ आप घोषणा करते हैं उस तालाब में भी कमीशन कुरियर भ्रष्टाचार है। बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि जो भाजपा उन पर आरोप लगाती है वो किसी तरह का प्रमाण प्रस्तुत करना चाहेंगे। जो मजदूर हैं बार बार और पंचायत प्रतिनिधि बार बार क्रेडिट आते हैं।